हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट, बट लास्ट वीडियो में हमने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की थी जिसमें एक मिस्टेक हो गई थी, उसको करेक्ट कर लेना। तो मिस्टेक थी कि जब भी हम इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे होती है एफ ऑफ एस जी ऑफ एस, तो ये इक्वल्स होता है 0 to t एफ ऑफ टी, एफ ऑफ यू आना था यहाँ पे, जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने टी लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे यू आना है जिसके साथ मेरी इंटीग्रेशन हो रही है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस किसके इक्वल हो जाएगा, 0 to t एफ ऑफ यू इंटू टी ऑफ जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी ऑफ यू। यहाँ पे ध्यान रखना है जिस वेरिएबल के साथ आप इंटीग्रेशन कर रहे हो यहाँ पे भी वही वेरिएबल आएगा। इसकी एग्जांपल करते हैं हम, एक एग्जांपल है एल इनवर्स 1/x² + 4 इंटू x² + 9 है। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी किया था, बट वहाँ पे मैंने यहाँ पे टी मान के किया था, वो गलत है, यहाँ पे ये आना है, यू आना था। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको एफ ऑफ एस लिख सकती हूँ, इसको जी ऑफ एस लिख सकती हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस हो जाएगा 1/x² + 4 एंड जी ऑफ एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स नहीं एस है, x² + 9। हमें पता है जब हम इसकी इनवर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे f चाहिए, ठीक है, हमने किया है कि f ऑफ t का जब हम लैपलेस करते हैं तो कैपिटल f ऑफ s आ जाता है, ठीक है। जब हम इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ t आ जाएगा। तो अगर हम इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए हम इसकी इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या हो जाएगी, एल इनवर्स 1/x² + 4 हो जाएगी। अब हमें पता है कि एल इनवर्स लैपलेस ऑफ साइन अल्फा टी की क्या होती है, अल्फा बाय x² + α² होती है। तो यहाँ से मेरे पास लैपलेस इनवर्स क्या हो जाएगी, 1/x² + α² इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा टी बाय अल्फा। तो लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/x² + α² किसके इक्वल आ जाएगी, साइन अल्फा टी बाय अल्फा। तो ये यही तो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, साइन 2t, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2^2। तो यहाँ से 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, अब अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2α 2t/2, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 है। सिमिलरली अगर हम देखें, मेरे पास हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस की क्या हो जाएगी, एल इनवर्स 1/x² + 9 को मैं लिख सकती हूँ 3^2, ठीक है। तो सिमिलरली ये बन जाएगा साइन 3t/3 बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई और जी ऑफ टी की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 to t, यहाँ पे हो जाएगा, t को हमने चेंज करना है u वेरिएबल में, साइन 2u/2, यहाँ पे t को चेंज करना है t-u में, साइन 3t-u du/3 है। 1/6 क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के आउटसाइड आ जाएगा, साइन 2u इंटू साइन 3
टी माइनस यू ये आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं, अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और 2 के साथ डिवाइड कर दूं, तो हमें एक फॉर्मूला पता है साइन 2 साइन ए साइन बी का, वो क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 1/12 ज़ीरो टू टी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ठीक है, 2u माइनस 3t प्लस 3u हो जाएगा। जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो ये बनेगा मेरे पास माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी 3t माइनस 3u इंटू क्या आएगा मेरे पास डी यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 to t, ये आ जाएगा मेरे पास 5u माइनस 3t माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस, इसको हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा 3t माइनस यू डी यू, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्या करनी है, हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा मेरे पास कॉस की इंटीग्रेशन साइन हो जाएगी डिवाइडेड बाय, हम यू के साथ कर रहे हैं तो यू का कॉफिशेंट आएगा मेरे पास 5 माइनस साइन 3t माइनस यू बाय कॉस, यू का कॉफिशेंट क्या है माइनस 1, 0 to t लिमिट्स हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/12, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 5u, यू की जगह पे t आ जाएगा, t माइनस 3t डिवाइडेड बाय 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन 3t माइनस t। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा लोअर लिमिट पुट करने के बाद 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस, यही लिखते हैं साइन है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा माइनस 3t बाय 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 3t, ये बन जाएगा। तो आ जाएगा मेरे पास 1/12 साइन 2t/5, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन 2 times t माइनस साइन, हम लिख सकते हैं साइन माइनस टी को माइनस ऑफ साइन टी, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन 3 times t/5 माइनस ये हो जाएगा साइन 3t। तो इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, ये 2 टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही ये 2 टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो याद रखना है यहाँ पे जिस वेरिएबल के साथ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे भी वही वेरिएबल आएगा f(u)(t-u)। अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारी फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज़ में क्या होता है, एक होते हैं मेरे पास
पीरियोडिक फंक्शन, एक होते हैं मेरे पास नॉन पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि कोई फंक्शन अगर अपने आप को कुछ इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से 0 to 2a है, यहाँ पे 4a है, 6a है, तो ये फंक्शन क्या है, इंटरवल है इसका 2a, 2a के बाद अगर मैं देखूँ तो ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। एक होते हैं मेरे पास नॉन पीरियोडिक फंक्शन, जो ऐसे अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। तो फोरियर सीरीज़ का यूज़ करके हम किसी भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन लिख सकते हैं। फोरियर सीरीज़ में हम क्या करते हैं, कोई भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन लिखते हैं। तो याद रखना है कि फोरियर सीरीज़ में हम किसी भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन को भी पीरियोडिक फंक्शन की टर्म्स में लिख सकते हैं, साइन एंड कोसाइन की सीरीज़ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोरियर सीरीज़ क्या हो जाएगी मेरी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट बाय टू प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फानाइट ए एन कॉस, यहाँ पे आएगा 2n पाई एक्स बाय बी माइनस ए प्लस एन इज इक्वल टू 1 to इन्फानाइट बी एन साइन 2n पाई एक्स बाय बी माइनस ए। अब b क्या है और a क्या है, b और a क्या है, मेरी लिमिट्स हैं। जैसे मेरा फंक्शन डिफाइन है लिमिट्स में, x है माइनस पाई टू प्लस पाई, ठीक है, मेरा फंक्शन डिफाइन है x किसके बीच में डिफाइन है, माइनस पाई टू प्लस पाई, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा b, तो a और b क्या है, मेरी लिमिट्स हैं। a क्या है, लोअर लिमिट है, b क्या है, अपर लिमिट है। तो a नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, a नॉट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2 बाय b माइनस a टू b f ऑफ x dx। तो a नॉट क्या हो जाएगा, 2 बाय b माइनस a टू b f ऑफ x इंटू d ऑफ x। a n क्या हो जाएगा, 2 बाय b माइनस a टू b f ऑफ x इंटू cos 2 n पाई x बाय b माइनस a, ठीक है। सिमिलरली बी एन क्या हो जाएगा, 2 बाय बी माइनस ए टू बी है, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई एन एक्स बाय बी माइनस ए इंटू डी एक्स। तो ये ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज़ आपको याद करनी है, ठीक है। ए एन क्या है, कॉफिशेंट है जो कॉस वाली टर्म के साथ आ रहा है, बी एन क्या है जो कॉफिशेंट है साइन की टर्म के साथ आ रहा है, तो ये टर्म्स याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मेरी लिमिट्स क्या है, माइनस पाई टू प्लस पाई है, तो यहाँ पे a क्या बन जाएगा मेरा, a नॉट क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 बाय b क्या है पाई, माइनस माइनस प्लस हो के ये बन जाएगा माइनस पाई टू प्लस पाई f ऑफ x dx। तो यहाँ से a नॉट क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स मीन्स 1 बाय पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा और सिमिलरली बी एन आ जाएगा। एक टर्म आपको याद रखनी है कि अगर मेरे पास यहाँ पे इसको रब कर रही हूँ, फर्स्ट केस है कि अगर मेरा फंक्शन क्या है, इवन है, फंक्शन मेरा इवन है, एक रिजल्ट होता है कि अगर लिमिट्स माइनस ए टू प्लस ए हैं माइनस ए टू प्लस ए
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट्स माइनस ए टू जब ए होंगी तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ये इक्वल्स हो जाएगा टू टाइम्स ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर मेरा फंक्शन क्या है, इवन है। ठीक है, अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स इवन है तो मैं इसको लिख सकती हूँ टू टाइम्स ज़ीरो टू ए। सिमिलरली इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर मेरा फंक्शन क्या है, ऑड है। तो ये याद रखना है कि माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये हो जाएगा टू टाइम्स ज़ीरो टू ए जब मेरा फंक्शन क्या है, इवन है। ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा जब मेरा फंक्शन क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे हम सेम अप्लाई करते हैं, जब मेरे पास लिमिट्स माइनस ए टू प्लस ए हो जाए तो यहाँ पे अगर मेरा फंक्शन इवन है, ए नॉट हमने क्या लिखा था, टू बाय बी माइनस ए, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें मेरा फंक्शन क्या है, इवन है। अगर फंक्शन इवन है तो ये मेरा ये क्या बन गया, मेरा एक इवन फंक्शन बन गया। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टू टाइम्स ज़ीरो टू ए। तो यहाँ पे अब लिमिट्स क्या हो जाएंगी, माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, वन बाय ए बनेगा सिर्फ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, वन बाय ए, वन बाय ए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ए। तो याद रखना है कि जब मेरा फंक्शन इवन है तो ये टोटल क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ टू टाइम्स ए ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ए, यहाँ पे हो जाएगा टू ए। यहाँ पे देखूँ f क्या है, मेरा एक इवन फंक्शन है, cos भी क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। तो ये ओवरऑल क्या रह रहा है, एक इवन फंक्शन है। तो मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ, टू टाइम्स a है ज़ीरो टू a एफ ऑफ एक्स cos n पाई x बाय a इंटू डी एक्स। अब हम देखते हैं a नॉट a n को तो लिख लिया, अब bn को देखते हैं। f ऑफ x क्या है, एक इवन फंक्शन है, बट साइन क्या है, यहाँ पे एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड इंटू इवन इंटू ऑड क्या हो जाएगा, एक ओवरऑल ऑड फंक्शन आएगा। तो ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो आपको फोरियर सीरीज डिफाइन करने से पहले अगर आपको यहाँ पे पता चल गया कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, तो अगर फंक्शन इवन है मेरा, ठीक है, तो ए नॉट एंड ए एन सर्वाइव करेंगे, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएंगे और वी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। सेकंड केस है अगर एफ एक्स क्या होता है, ऑड। तो यहाँ पे अगर मेरा फंक्शन ऑड है तो यहाँ पे ए नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो ऑड फंक्शन के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ऑड फंक्शन के लिए मेरे पास ए नॉट क्या है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ई ए एन को देखूं तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ये क्या है, एक इवन फंक्शन होता है। तो ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा, ओवरऑल मेरा ऑड फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ए एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब देखते हैं बी एन को, बी एन को, बी एन में ये फंक्शन क्या है, अब मेरा ऑड है। ठीक है, साइन भी क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा, एक इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल क्या है, एक इवन फंक्शन बन रहा है। तो बी एन की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब टू टाइम्स ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई ए इंटू डी एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी एन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगी। तो ये याद रखना है कि जब लिमिट्स मेरी माइनस ए टू ए हैं तो अगर तो इवन फंक्शन आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स अगर इवन है
तो an, a नॉट एंड an की वैल्यू सर्वाइव करेंगी और bn की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगर मेरी bn की वैल्यू ज़ीरो हो रही है तो जो मेरी सीरीज़ आएगी वो किस में आएगी, कोसाइन सीरीज़ होगी। तो फंक्शन अगर इवन है, ठीक है, तो जो मेरी फोरियर सीरीज़ आएगी वो क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ कोसाइन सीरीज़ होगी। तो याद रखना है, जब भी फंक्शन इवन होगा तो उसकी सीरीज़ क्या आएगी, कोसाइन सीरीज़ की टर्म्स में आएगी। अब एफ एक्स अगर ऑड है, ऑड है तो ए नॉट भी ज़ीरो है और ये टू टर्म्स मेरी इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे बी एन की वैल्यू सर्वाइव कर रही है, तो जो मेरी ओवरऑल सीरीज़ आएगी वो किस में आ रही है, साइन में। ठीक है, तो जब फंक्शन मेरा ऑड है तो फोरियर सीरीज़ किस में आएगी, साइन की सीरीज़। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सीधे ही देख के बोल सकते हो कि अगर फंक्शन इवन है तो क्या होगा, अगर फंक्शन ऑड है तो क्या होगा। अब करते हैं इसकी एक एग्जांपल। तो मेरे पास f ऑफ x गिवन है x स्क्वायर और x की लिमिट्स क्या हैं, माइनस पाई टू प्लस पाई। ठीक है, x की लिमिट्स क्या है, माइनस पाई टू प्लस पाई। तो यहाँ पे अब a नॉट क्या हो जाएगा, ठीक है, a नॉट क्या था मेरा, टू टाइम्स b माइनस a, a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बी क्या है यहाँ पे, ये ए है, ये क्या है, बी है। तो ये बन जाएगा मेरे पास वन बाई पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमने अभी किया था कि जो फंक्शन अगर इवन है तो क्या होगा, अगर फंक्शन ऑड है तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन चेक कैसे करते हैं, हम x को क्या करो, माइनस x में चेंज करो। तो f ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर, ये बन जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, f ऑफ x के इक्वल आ गया। तो अगर कोई फंक्शन माइनस x करूँ वो f ऑफ x के इक्वल आ जाए तो हम उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर f ऑफ माइनस x माइनस ऑफ f ऑफ x आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑड फंक्शन। ठीक है, ये याद रखने हैं कि अगर f ऑफ माइनस x f ऑफ x के इक्वल आ रहा है तो वो इवन फंक्शन होगा, अगर f ऑफ माइनस x माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ रहा है तो वो क्या होगा, ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे ही बोल सकती हूँ कि bn क्या हो जाएगा मेरा, ज़ीरो। तो हमें a नॉट की वैल्यू चाहिए और an की वैल्यू चाहिए। अब क्या करना है, इसको मैं लिख सकती हूँ टू टाइम्स ज़ीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन की तो एक्स क्यूब बाय क्यूब ज़ीरो टू पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई क्यूब बाय थ्री, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू पाई स्क्वायर बाई थ्री, एक पाई के साथ एक पाई कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी टू पाई स्क्वायर बाई थ्री। तो ए नॉट की वैल्यू आई टू पाई स्क्वायर बाई थ्री। अब हम फाइंड करते हैं ए एन की वैल्यू। तो ए एन की वैल्यू क्या थी, ए एन की वैल्यू थी मेरे पास टू बाय बी माइनस ए ज़ीरो टू, ये क्या, ये क्या था मेरा, माइनस पाई ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉस टू एन पाई एक्स बाय बी माइनस ए इंटू डी एक्स। तो ए और बी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होएगा, ये बन जाएगा वन बाय पाई
माइनस पाई टू, पाई एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू पाई, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये बन जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो इसको मैं टू टाइम्स लिख सकती हूँ, एन एक्स डी एक्स। अब क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की, तो साइन एन पाई, सॉरी एन एक्स बाय क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। माइनस फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 0 टू पाई, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें पुट करनी है लिमिट्स 0 टू पाई। अगर मैं देखूं, अगर मैं पाई लिमिट्स पुट करूं, तो साइन पाई क्या हो जाएगा, 0। तो अपर लिमिट पुट करने के बाद मेरा ये फंक्शन क्या है, 0 बन रहा है। अगर मैं लोअर लिमिट पुट करूँ 0, तो साइन 0 0 होता है। जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है लिमिट्स पुट करने के बाद, वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो सेकंड फंक्शन को सॉल्व करते हैं, तो ए एन क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 बाय पाई चल रहा है, यहाँ से 2 बाय एन निकल आया, माइनस 4 बाय पाई एन। इंटीग्रेशन है 0 टू पाई, ठीक है। यहाँ पे है एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब फिर इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के, तो माइनस 4 बाय पाई एन एक्स साइन की इंटीग्रेशन हो जाएगी, माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इनटू माइनस ऑफ कॉस एन एक्स बाई एन डी एक्स, 0 टू पाई है, यहाँ पे लिमिट्स 0 टू पाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखूँ, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं लिमिट्स पुट करूँ, जब मैं पाई पुट कर रही हूँ अपर लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई कॉस एन पाई, पाई एन हो जाएगा। जब लोअर लिमिट पुट करूँगी, तो यहाँ पे एक्स है, तो एक्स क्या बना देगा इसको, 0। तो लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये फंक्शन 0 बनेगा, और अपर लिमिट पुट करने के बाद क्या बनेगा, माइनस पाई कॉस एन पाई बाई एन। अब इसकी अगेन इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, साइन एन एन एक्स बाय एन स्क्वायर आ जाएगा, लिमिट्स हैं 0 टू पाई। अब हम इसमें देखते हैं, जब पाई पुट करूँगी, तो साइन पाई 0 होता है, लोअर लिमिट पुट करूँगी 0, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 0। तो मेरे पास ये टर्म बचेगी, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 बाई एन स्क्वायर कॉस एन पाई। तो मेरे पास ठीक है, ए एन क्या आया है, 4 बाई एन स्क्वायर कॉस एन पाई। अब हम देखते हैं कि अगर मैं एन की वैल्यू, ठीक है, हमें पता है कि कॉस पाई 1 होता है, कॉस पाई माइनस 1 होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है, और सिमिलरली कॉस 3 पाई माइनस 1 होता है। तो मैं एन की वैल्यू अगर 0, ठीक है, नहीं ऑड रखते हैं, 1, 3, 5 तो रख रही हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 आएगी। अगर इवन रखती हूँ मैं, ठीक है, 2, 4, 0 भी आएगा, ठीक है, 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। तो मैं कॉस
एन पाई को लिख सकती हूँ माइनस वन रेस टू पावर एन। यहाँ पे अगर एन की ऑड वैल्यूज रखोगे तो माइनस वन आएगी, अगर एन की इवन वैल्यूज रखोगे तो प्लस वन आएगी। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस वन रेस टू पावर एन। ठीक है, अब ए एन की भी वैल्यू निकल गई और ए नॉट की भी वैल्यू निकल गई। फंक्शन मेरा इवन था, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी, बी एन की वैल्यू क्या थी मेरी, जीरो। तो मेरी फोरियर सीरीज क्या बन जाएगी, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा टू पाई स्क्वायर बाय थ्री इंटू टू प्लस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट। ए एन की वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस पाई, पाई रखी, सॉरी पाई रखी यहाँ पे माइनस पाई, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, कॉस एन एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे टू के साथ टू कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये मल्टीप्लाई था, तो एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वेयर बाय थ्री प्लस एन इज इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट फोर बाय एन स्क्वेयर कॉस एन एक्स। तो ये क्या हो जाएगी मेरी, सीरीज हो जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम, तो मेरी सीरीज बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स। तो ऐसे हम फोरियर सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है हम किससे भी जो भी, ठीक है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा उसको भी हम पीरियोडिक फंक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि जो मेरी कॉस एंड साइन सीरीज हैं वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो हम किसी भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो हमने किया था कि जो लिमिट्स हैं वो क्या है, माइनस पाई टू प्लस पाई हैं। अगर सेम क्वेश्चन है बट यहां पे लिमिट्स जीरो टू टू पाई हो गई, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट लिमिट्स जीरो टू टू पाई हो गई, तो क्या करना है, यहाँ पे एक्स कर लेते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं। ठीक है, तो जब लिमिट्स जीरो टू टू पाई होगी तो हम जो लिखते थे माइनस ए टू प्लस ए को, अगर इवन फंक्शन होता था टू टाइम्स लिख लेते थे, बट यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखना है कि लिमिट्स क्या गिवन है, अगर माइनस ए टू प्लस ए है तब भी आप इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ए नॉट क्या हो जाएगा, टू बाई बी, ये क्या है, ए है ये बी है, तो हो जाएगा टू पाई ज़ीरो टू टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा वन बाई पाई ज़ीरो टू ए ज़ीरो टू टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये, एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर।